जय माता दी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूबल व्रत त्योहार कथाएं मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा हर तालिका तीज व्रत साल भर जिस व्रत का सुहागन महिलाओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है आज इस वीडियो में मैं वही बताने जा रही हूं कि इस साल हरतालिका तीज का त्योहार हम किस दिन मनाएंगे हरतालिका तीज जो कि सौभाग्य का प्रतीक है आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अपने पति की लंबी आयु अपने जीवन में सुख सौभाग्य संतान की वृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत देखिए भाद्रप्रद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तृति को यह त्योहार मनाया जाता है तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीय तिथि है भाद्रपद यानी भादो मास की वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है हरितालिका तीज के व्रत में जो पूजा के समय का विधान है वो आपको किस दिन मिलेगा कि उस अनुसार आप पूजा व्रत उस दिन धारण करेंगी जो पूजा का शुभ मुहूर्त है बहुत विशेष महत्व रखता है तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है हरितालिका तीज व्रत के जो संपूर्ण पूजा विधि है नियमों को मानते हुए वो किस प्रकार से आपको इस वर्ष में रखनी है। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, तो क्या इस साल यह व्रत आप धारण कर सकती हैं? जैसी समस्त जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए देखिए हरतालिका तीज का त्योहार हर साल भाद्रप्रद मास के तृतीय तिथि को मनाया जाता है इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का विधि विधान से हर सुहागन महिला पूजन करती हैं वहीं कुछ जगहों पर देखिए अब कुआरी लड़कियां भी अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए इस कठिनतम व्रत को धारण करती हैं दोस्तों यह व्रत एक निर्जला व्रत होता है सुहागन महिलाओं के लिए कह सकते हैं ये सबसे कठिनतम व्रत होता है क्योंकि इस व्रत में पूरे छत्तीस घंटे लगभग निर्जल निराहार रहकर महिलाएं अपने पति की उन्नति तरक्की की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती का बिना अन्न और जल ग्रहण किए निर्जल उपवास धारण करती हैं। हड़तालिका तीज का व्रत देखिए खास तौर पर उत्तर भारत के इन राज्यों में मनाया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान झारखंड इन स्टेट्स में पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से हड़तालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है तो इस साल हड़तालिका तीज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा सबसे पहले तिथि ही नोट कर लेते हैं देखिए हरतालिका तीज जैसा कि मैंने बताया तृतीया की तिथि इस बार 5 सितंबर 2024 को दोपहर में बारह बजकर इक्कीस मिनट पर शुरू हो रही है जो कि समाप्त होगी 6 सितंबर को दोपहर में तीन बजकर एक मिनट पर तो हरितालिका तीज का व्रत इस बार 6 सितंबर को उदयाकालीन तृतीय तिथि में रखा जाएगा शुक्रवार का यह दिन होगा अब हरितालिका तीज व्रत में जो पूजा का समय है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है तो पूजन सभी सुहागिन महिलाओं को किस शुभ मुहूर्त में करना है देखिए हरितालिका तीज व्रत का पूजन आप सुबह छह बजकर दो मिनट से आठ बजकर तैंतीस मिनट की अवधि जो समय मिलेगी आपको इस बीच में कर लेना है लगभग ढाई घंटे का समय आपको छह सितंबर को सुबह में ही ये प्राप्त हो रहा है इसी समय आप भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधान के साथ में पूजन करेंगे अब आपको यहां पर मैं कि का तीज व्रत का ये नाम क्यों ऐसा पड़ा क्या महत्व है इस व्रत का देखिये हड़तालिका तीज व्रत को एक जो कथा है इसके मुताबिक माता पार्वती का विवाह उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से करवाना चाहते थे जबकि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी तब माता पार्वती की एक सहेली उन्हें अपने साथ जंगल में ले गई इस कहानी में यहाँ पर हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली से होता है और इन्हीं दो शब्दों से ये जो हरतालिका बना है हरतालिका ये जो तीज व्रत है इसी से इसका यहाँ पर उद्भव हुआ और यही इस आ, का महत्व बताया जाता है तो हरितालिका तीज व्रत का जो पूजा का शुभ समय मिला है उसी समय में विधि विधान से आपको पूजन करना है कई लोग देखिए पूजन मंदिर में जाकर करते हैं कई लोग आम तौर पर हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव मतलब मिट्टी के शिवलिंग माता पार्वती परिवार सहित बना करके घर में विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है देखिए किसी भी कारणवश वैसे तो तीज व्रत का पूजन हर साल प्रदोष काल में ही सबसे उत्तम बताया गया है ज्यादातर जगहों पर प्रदोषकालीन पूजन होता है लेकिन इस बार तिथि सुबह में ही समाप्त हो रही इसलिए सुबह में आपको पूजन करना है लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूजन नहीं कर सकते हैं तो कालीन पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है, है का तीज व्रत के दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करती हैं आज के दिन सुहाग की सामग्री का बहुत महत्व होता है जैसे कि सुहागन महिलाएं स्वयं के लिए खरीदती हैं माता पार्वती को अर्पित किया जाता है बायना स्वरूप देने के लिए ब्राह्मणी को भी सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है आज की पूजा विधान जैसे कि हम शिवरात्रि में भगवान शिव माता पार्वती का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करते हैं उसी प्रकार से करते हैं और जो भोग होता है आज का विशेष वो होता है घर में तैयार किए गए मीठे पकवान तो आप घर में तैयार किए गए मीठे पकवान या बाजार से लाकर भी मीठे पकवान भगवान को भोग स्वरूप माता को अर्पित करें सीजन की जो भी फल होगी वो माता को अर्पित करें माता के लिए जैसे मैंने बताया सुहाग की सामग्री वस्त्र जरूर अर्पित करें और श्रृंगार की जो वस्तु आप माता को अर्पित करना चाहती हैं देखिए हड़तालिका तीज व्रत के अब कुछ नियम है विस्तार से मैं इसकी पूजा विधि अलग से शेयर करूंगी अब जो कुछ नियम है उनको भी आप यहाँ पर संक्षिप्तता से जान लीजिए जैसे कि हड़तालिका तीज व्रत जैसे मैंने बताया आया कि कठिनतम व्रतों में से एक है पूरे इस व्रत में 24 घंटे तो आपको निर्जल निराहार रहना ही है पिछले शाम से ही कई लोग जो आ, सुबह में सर्गी नहीं करते वो 36 घंटे निर्जल व्रत को रखते हैं सर्गी का भी विधान होता है आप सर्गी भी ले सकते हैं एक बार जो आपने हरतालिका तीज व्रत शुरू कर लिया है तो इसके बाद इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता तो जो भी महिलाएं इस व्रत को उठाती हैं यह सोच समझ कर लें कि आपको आगे हर साल इस व्रत को करते रहना है सूतक पातक हो पीरियड्स में हो तो आपको व्रत में पूजन नहीं करना है लेकिन फास्ट जरूर रखना है क्योंकि इस व्रत को छोड़ना नहीं होता दूर से बैठ आप कथा सुन सकते हैं हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है आज के दिन भगवान और माता का जितना ज़्यादा हो सके उनके मंत्रों के जप में रहें उनके नाम में उनके सुमरन में उनके ध्यान में रहें तो इस प्रकार से इस साल हरतालिका तीज का व्रत आपको धारण करना है जो पहली बार कर रही हैं महिलाएं वो भी हरतालिका तीज का व्रत इस साल पहली बार उठा सकती हैं कुआरिक कन्याएं जो लेना चाहती हैं वो भी ले सकती हैं तो आगे हड़तालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मैं शेयर करती रहूंगी आज इस वीडियो में ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि किससे बार आप हड़तालिका तीज का व्रत धारण करेंगी वृत्य दिन रखा जाएगा उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए यहाँ पर हर वृत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करो उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर प्राप्त हो जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय माता रानी